शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं और आप आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर सिक्स, पेज नंबर 45, एंड लेसन का नाम है चूहिया और गिलहरी। लेसन का नाम क्या है? चूहिया और गिलहरी। चूहिया यानी माइस, गिलहरी यानी स्क्वायरल। ठीक है, चूहिया और गिलहरी के बारे में ये स्टोरी दिया हुआ है। हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेंगे और उसके बाद हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ क्या क्या है इसमें। तो हम पहला इसमें लिखने वाले हैं खोखल। पहला शब्दार्थ दिया हुआ है खोखल। ठीक है, तो हम लिखेंगे खो ख ल, खोखल। खोखल यानी क्या होता है? पेड़ के तने में छेद। पेड़ के तने में छेद, यानी जो एक होल होता है पेड़ के तने में, एक होल होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हालो बोलते हैं। हालो, HOLLOW, यानी जिसमें गिलहरी गिलहरी रहती है। वो कहाँ रहती है? पेड़ पे ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वभाव। दूसरा है स्वभाव। स्वभाव यानी हमारा क्या होता है? नेचर। स्वभाव यानी नेचर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में ही समझेंगे। ठीक है, क्या है? प्रकृति यानी नेचर इंग्लिश में बोलते हैं और प्रकृति हिंदी में। तीसरा दिया हुआ है परिश्रमी। परिश्रमी, परिश्रमी यानी मेहनती। मेहनती यानी हार्ड वर्किंग। मेहनती, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, आलसी। आलसी, आलसी किसको बोलते हैं? जो लेजी रहता है, और हिंदी में हम बोलते हैं सुस्त। जो लेजी रहता है, अपना काम क्या करता है? दूसरे पे छोड़ देता है या फिर नहीं करता है, बोलता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? आलसी। फुदकती, हमें छुटाव की मात्रा। द क ती, फुदकती यानी फुदकना यानी टू हॉप। ठीक है, कूदती, इधर से उधर भागना। गिलहरी को आप लोग देखेंगे, स्क्वायरल को आप लोग देखेंगे, इधर से उधर भागती रहती है, उसी को फुदकना बोलते हैं। ठीक है, फुदकती, कूदती। नेक्स्ट है इकट्ठा, यानी एकत्र करना। इकट्ठा, ई क आधा ट ठ में आकी मात्रा। इकट्ठा यानी एकत्र करना। क्या करना? एकत्र यानी कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करना। सेवेंथ, मुश्किल। मुश्किल, म में छोटा की मात्रा, समय आधा समय छोटी की मात्रा, कला। मुश्किल यानी, मुश्किल को क्या बोलते हैं? परेशानी। परेशानी, ठीक है, परेशानी। हम और लिखेंगे यहाँ पे परेशानी यानी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ वन है शक्ति। शक्ति ताकत यानी स्ट्रेंथ। हमारी, हमारे पास जो शक्ति होता है जिससे हम अपना काम करते हैं, वही है स्ट्रेंथ यानी ताकत। ठीक है, बेहाल।
बेहाल यानी बेहाल का क्या होता है, कमजोर, वीक, कमजोर, WEK, वीक यानी कमजोर। ठीक है, तो इतना ही है शब्दार्थ। अब यहाँ पे हम नए शब्द भी लिख लेंगे, नए शब्द। ओके, नए शब्द में पहला दिया हुआ है खोखल, खो प्लस ख प्लस ल, खोखल यानी जो पेड़ के तने में क्या रहता है, होल रहता है, छेद रहता है, जिसमें क्या रहते हैं, गिलहरी वगैरह रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं खोखल। परिश्रम, प रम में छोटी की मात्रा, श्र म क्या हुआ, परिश्रम यानी मेहनत। ओके, तीसरा है इकट्ठा, ई प्लस क आधा ट ठा क्या हुआ, इकट्ठा यानी एकत्र करना, इकट्ठा। ओके, एक और है मुश्किल, फोर्थ वन है म में छोटाओं की मात्रा, आधा श क प्लस ल क्या हुआ, मुश्किल। ओके, मुश्किल के बाद त्याग, चलिए हम जब तक इतना ही देखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं पहले शब्दार्थ, क्या देखते हैं, शब्दार्थ। ठीक है, श आधा ब दम्या की मात्रा थपे दा शब्दार्थ। यहाँ पहले हम लेसन का नाम पढ़ेंगे, च में छोटा ओ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चूहिया यानी माइस, एंड ए अप्रय की मात्रा र और चूहिया, और ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा, गिलहरी यानी स्क्वेरल, चूहिया और गिलहरी लेसन का नाम है, चूहिया और गिलहरी। अब देखिए शब्दार्थ, ख में ओ की मात्रा, ख ल खोखल यानी पेड़ में जो छेद रहता है, होल रहता है, खाली थोड़ा सा जगह रहता है, उसी को खोखल बोलते हैं। ठीक है, यानी पेड़ के तने में छेद, होल, हॉप। हेलो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेलो, एच ओ ओ एच ओ एल एल ओ डब्ल्यू, एच ओ एल एल ओ डब्ल्यू, हालो। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको, ख में ओ की मात्रा, ख ल खो खल, प मे की मात्रा, ड पेड़, क मे की मात्रा, के त, न मे की मात्रा, ने तने, म मे की मात्रा, ऊपर की मात्रा, मे छ, छ मे की मात्रा, द छेद, पेड़ के तने में छेद, खोखल पेड़ के तने में छेद, खोखल पेड़ के तने में छेद, आधा स व भम्या की मात्रा, व स्वभाव, स्वभाव यानी हमारा नेचर, आधा स व भम्या की मात्रा, व स्वभाव, प्र कमेरी की मात्रा, तम छोटी की मात्रा, प्रकृति, प कमेरी की मात्रा, तम छोटी की मात्रा, प्रकृति, प रम छोटी की मात्रा, श्रम में बड़ी की मात्रा, परिश्रमी, प रम छोटी की मात्रा, श्रम में बड़ी की मात्रा, परिश्रमी, मी ह ममे की मात्रा, ह न तमे बड़ी की मात्रा, ममे की मात्रा, ह न तमे बड़ी की मात्रा, क्या हुआ, मेहनती, आ अमे आ की मात्रा, ल समे बड़ी की मात्रा, आलसी, स समे छोटाओ की मात्रा, आधा स त सुस्त यानी लेजी। ओके, पेड़ के तने में छेद, प्रकृति, मेहनती, आलसी, सुस्त, खोखल पेड़ के तने में छेद,
स्वभाव प्रकृति परिश्रमी मेहनती आलसी सुस्त। फ में छुटाव की मात्रा द क, त में बड़ी की मात्रा फुदकती, क में बड़ाव की मात्रा द, त में बड़ी की मात्रा कूदती फुदकती कूदती फुदकती कूदती फुदकती कूदती। ई क आधा ट ठ में आ की मात्रा इकट्ठा एकत्र एकत्र इकट्ठा एकत्र इकट्ठा एकत्र। म में छुटाव की मात्रा आधा श क ल मुश्किल, प र में की मात्रा शम्या की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा परेशानी। म में छुटाव की मात्रा आधा श पे छोटी की मात्रा क ल मुश्किल परेशानी। मुश्किल यानी प्रॉब्लम ठीक है। खोखल पेड़ के तने में छेद, खोखल पेड़ के तने में छेद। स्वभाव प्रकृति परिश्रमी मेहनती आलसी सुस्त, फुदकती कूदती इकट्ठा एकत्र, मुश्किल परेशानी मुश्किल परेशानी। श आधा क, क में छुट्टी की मात्रा त शक्ति, ता क त ताकत शक्ति ताकत, त में आ की मात्रा क त ताकत शक्ति ताकत शक्ति ताकत। ब में की मात्रा ह में आ की मात्रा ल बिहाल, ब में की मात्रा ह में आ की मात्रा ल, ब में ए की मात्रा ह में आ की मात्रा ल क्या हुआ बिहाल। क म जम्यो की मात्रा र, क म जम्यो की मात्रा र कमजोर, शक्ति ताकत बेहाल कमजोर। खोखल पेड़ के तने में छेद, स्वभाव प्रकृति परिश्रमी मेहनती आलसी सुस्त, फुदकती कूदती इकट्ठा एकत्र, मुश्किल परेशानी, शक्ति ताकत बेहाल कमजोर। ओके तो ये क्या हुआ शब्दार्थ। और एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बोल देती हूँ। खोखल हालो, प्रकृति नेचर, मेहनती हार्ड वर्किंग, आलसी लेजी, फुदकती टू हॉप, इकट्ठा एक कलेक्ट मुश्किल प्रॉब्लम, शक्ति स्ट्रेंथ बेहाल वीक वी ई ए के वीक वी ई ए के वीक, और डब्ल्यू ई ई के जो होता है वो वीक होता है यानी सप्ताह, वीक यानी सप्ताह, डब्ल्यू ई ए के क्या होता है कमजोर वीक ठीक है। तो अभी हम अब नए शब्द पढ़ लेते हैं थोड़ा। खमे ओ की मात्रा खो ख ल, खो ख ल खोखल, परिश्रमी परिश्रमी, प ख खो प्लस ख प्लस ल, खो प्लस ख प्लस ल खोखल, प प्लस री प्लस र प्लस म परिश्रम, ई प्लस क प्लस आधा ट ठम्या की मात्रा इकट्ठा, म में छुटाव की मात्रा मु प्लस शी प्लस क प्लस ल मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल। खम्यो की मात्रा ख ल खोखल, प र में छुट्टी की मात्रा श्रम परिश्रम, ई क आधा ट ठम्या की मात्रा ठा इकट्ठा, मु आधा मु शी क ल मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल। ये है शब्दार्थ और ये है नया शब्द ठीक है, नए शब्द। तो आप लोग इसको नोट करें। हम थोड़े से और नए शब्द इस बुक से निकालेंगे ठीक है, और हम क्या करेंगे पढ़ेंगे उसको ठीक है। तो पहला शब्द हम लेंगे चुहिया, यानी जो हमारे इस लेसन का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है चू प्लस ही प्लस या चुहिया ठीक है। सिक्स वन यहाँ मैंने फोर्थ तक लिखा हुआ है, यहाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ठीक है। घी
प्लस ला प्लस हा प्लस री क्या होगा? गिलहरी। वह क्या? गिलहरी। नीम, नी प्लस मा, नीम यानी एक ट्री होता है। क्या होता है? नीम ट्री, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। बी प्लस ल क्या हुआ? बिल। प्लस द प्लस क प्लस ती क्या हुआ? फूदकती फूदकती। टेंथ वन है स्वभाव, आधा स वा स्वभाव, वह होता है स्वभाव, स्वभाव यानी हमारा नेचर। इलेवेंथ है आलसी, आ प्लस ला प्लस सी क्या हुआ? आलसी। ओके एक और देखेंगे हम, गर्मी का मौसम यानी हम लिखेंगे मौ प्लस प्लस म क्या हुआ? मौसम। थर्टीन अ प्लस ना प्लस ज अनाज यानी ग्रेन्स जो हम खाते हैं, चावल हो या फिर गेहूं का हो। हम देखेंगे एक और, हम एक और देखेंगे, नेक्स्ट है शक्ति, शा प्लस आधा क प्लस त क्या हुआ? शक्ति। ओके एक और जगह है यहाँ पे, प्लेस तो मैं लिख देती हूँ, बेहाल, बे लिखा नहीं मैंने, हमें आखिरी मात्रा प्लस ल क्या हुआ? बेहाल, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, नए शब्द यहां से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। नए शब्द न यमे की मात्रा, नए श आधा बहुत द शब्द, नए शब्द। ओके देखिए ख में ओ की मात्रा, ख ल क्या हुआ? खोखल। ख में ओ की मात्रा ख ल खोखल। प र में छुट्टी की मात्रा, श्र म परिश्रम क्या हुआ? परिश्रम। प र में छुट्टी की मात्रा, श्र म क्या हुआ? परिश्रम। ई क आधा ट ठ में आ की मात्रा, इकट्ठा। ई क आधा ट ठ में आ की मात्रा, इकट्ठा। ई क आधा ट ठ में आ की मात्रा, इकट्ठा। खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल।
खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल। ओके, च में छटाव की मात्रा, ह में छुट्टी की मात्रा, य में आ की मात्रा, क्या हुआ मिला के चुहिया, क्या हुआ चुहिया। ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा, ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा, गिलहरी चुहिया गिलहरी। न में बड़ी की मात्रा, म नीम, न में बड़ी की मात्रा, म नीम। ब में छोटी की मात्रा, ल बिल, ह में छोटा की मात्रा, द क त में बड़ी की मात्रा, फुदकती, ह में छोटा की मात्रा, द क त में बड़ी की मात्रा, फुदकती। आधा श व भ में आ की मात्रा, व स्वभाव, आधा स व भ में आ की मात्रा, व स्वभाव। आ ल स में बड़ी की मात्रा, आ ल स में बड़ी की मात्रा, आलसी लेजी। म ममयाव की मात्रा, स म ममयाव की मात्रा, स म मौसम मौसम। अ नम्या की मात्रा, ज अ नम्या की मात्रा, ज अनाज। श आधा क में छोटी की मात्रा, त शक्ति, श आधा क में छोटी की मात्रा, त शक्ति। बमे की मात्रा, हम्या की मात्रा, ल बेहाल, बमे की मात्रा, हम्या की मात्रा, ल बिहाल। ओके, चू प्लस ही प्लस या चुहिया, गी प्लस ल प्लस ह प्लस री गिलहरी, नी प्लस म नीम, नी प्लस म नीम, बी प्लस ल बिल, फू द क तमे बड़ी की मात्रा, फू प्लस द प्लस क प्लस ती फुदकती, फू प्लस द प्लस क प्लस ती फुदकती। स स प्लस व प्लस भा प्लस व स्वभाव, आलस प्लस व प्लस भा प्लस व स्वभाव। आ प्लस ल प्लस समय बड़ी की मात्रा, आलसी। म प्लस स प्लस म मौसम, म प्लस स प्लस ब, बमे की मात्रा प्लस हम्या की मात्रा, ल बेहाल, बेहाल, बे प्लस हा प्लस ल बेहाल। चुहिया गिलहरी, नीम बिल, फुदकती स्वभाव, आलसी मौसम अनाज, शक्ति बेहाल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल। ओके, चुहिया गिलहरी, नीम बिल, फुदकती स्वभाव, आलसी मौसम अनाज, शक्ति बेहाल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल। चुहिया चुहिया, चू प्लस ही प्लस या चुहिया, गी प्लस ल प्लस ह प्लस री गिलहरी, नी प्लस म नीम, बी प्लस ल नीम यानी नीम ट्री जो होता है, ये बहुत ही क्या रहता है, फायदेमंद रहता है यानी दवा के काम आता है। ठीक है, नी प्लस म नीम, बी प्लस ल बिल, फू प्लस द प्लस क प्लस ती फुदकती, स्व श स प्लस व प्लस भा प्लस व स्वभाव, आ प्लस ल प्लस सी आलसी, म प्लस स प्लस म मौसम, अ प्लस न प्लस ज अनाज, श प्लस की प्लस त शक्ति, बे प्लस हा प्लस ल बेहाल, खो प्लस ख प्लस ल खोखल, प प्लस री प्लस र प्लस म परिश्रम, ई प्लस क प्लस आधा ट प्लस ठा इकट्ठा, मु प्लस शी प्लस क प्लस ल मुश्किल। ओके, तो ये हमारे हैं नए शब्द, अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे लेसन पे आ जाएंगे। ओके, तो ये पहले हम अब रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम अपने लेसन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने पेज नंबर 12 निकाला हुआ है। ओके, पेज नंबर का है 12। ओके, तो इसमें है मात्रा अभ्यास, क्या है मात्रा अभ्यास, तो ये है किताब। ठीक है, मात्रा अभ्यास यानी किताब
ये क्या है? कील, केला, कबूतर, आंख, काला, काला, ठीक है। ये क्या है? कोट, यहाँ पे है। ये क्या है? कूड़ा, यहाँ पे है। ये क्या है? कौवा, यहाँ पे है। अंगूर, आंख, ठीक है। तो ये अभ्यास है, किसकी मात्रा के लिए अभ्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे आम, 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 नाशपाती, नाशपाती, पपीता, पपीता, अनार, अनार, अनानास, अनानास, नारियल, नारियल, ठीक है। सही वर्ण के नीचे उ या उ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, जो सही है। ये बिना मात्रा का दिया हुआ है और इसमें मात्रा लगा के लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है? गुड़, गमे छोटा उ की मात्रा लगाएंगे। धूप, बड़ा उ की मात्रा। कुटिया, छोटा उ की मात्रा। बुढ़िया, छोटा उ की मात्रा। पूरब, बड़ा उ की मात्रा। लुटिया, छोटा उ की मात्रा। मजदूर, बड़ाव की मात्रा। जादूगर, बड़ाव की मात्रा। ओके, चित्र देखकर ए तथा ए की मात्रा वाले शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। राहुल खेल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? खेल रहा है राहुल। यह पेड़ लंबा है। दुकानदार पैसे मांगने लगा। थैली में साग सब्जी लेकर आना, ठीक है। थैली में साग सब्जी लेकर आना। रेखांकित शब्दों में ओ तथा औ की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। रेखांकित यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है, यानी जिसके नीचे लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे श, तो ए की मात्रा, नहीं, ओ और औ की मात्रा लिखना है। तो शोर, शोर सुनकर लोग जमा हो गए। क्या हो गए? शोर सुनकर लोग जमा हो गए। इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तीनों में। ये क्या है? मौसी ने पकौड़ी एवं कचौड़ी बनाई। तीनों में हम ओ की मात्रा लगाएंगे। नौकर टोकरी लेकर बाजार गया, यानी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। पौधों, ओ में पानी डालो, ठीक है। अनुस्वार या अनुनासिक अथवा विसर्ग लगाकर शब्द दोबारा लिखना है। अनुस्वार यानी ये अंक की मात्रा, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, विसर्ग यानी दो डॉट। प्रायः, पंखा, चांद, पुनः, पहुँच, जंगल, पांच, कांच, रंग, ओके। अब पेज नंबर 14 पे देखेंगे, ये भी रिवीजन कर लेते हैं। हर मात्रा के दो दो शब्द चुनकर लिखिए, ठीक है। हर मात्रा के दो दो शब्द चुनकर लिखना है। आ की मात्रा से हाथ, गाना। आ की मात्रा से हाथ, गाना। छोटी की मात्रा से गिलास, हिरन। गिलास, हिरन। बड़ी की मात्रा से लड़की, मछली। लड़की, मछली। ऊ की मात्रा से कछुआ, सुबह। बड़ाऊ की मात्रा से सूरज, चूहा। ऐ की मात्रा से, ए की मात्रा से सेब, पेड़। ऐ की मात्रा से पैर, थैला। ओ की मात्रा से तोता, मोर। औ की मात्रा से नाव, मौसी। अंक की मात्रा से पतंग, हंस। अह की मात्रा से प्रातः, नमः। यानी हर एक मात्रा से क्या करना था हमको? दो दो शब्द लिखना था, ठीक है। एक बार हम 12 खड़ी भी देख लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। ये क्या है? ये स्वर है। ये सारा क्या है? स्वर है। और यहाँ पे सारे व्यंजन है, जिसे क्या करना है हमको? 12 खड़ी लिखना है, ठीक है। 12 खड़ी। क का, की, कु कु, के कै, को कौ, कम कह। ख खा, खी, खु खु, खे खै, खो खौ, खम खह।
ग गा गी गी गु गु गे गए गो गौ गम गहा घ घा घी घी घु घु घे गए गो गौ गम घा घ घा घी घी घु घु घे गए घो गौ गम घा चचा ची ची चु चु चे चय चो चौ चमच छ छा छी छी छु छु छे छय छो छौ छम छः ज जा जी जी जु जु जे जय जो जौ जम जह तता ति ति तु तु ते तय तो तौ तम तः ददा दि दि दु दु दे दय दो दौ दम दः ध धा धि धी धु धु धे धय धो धौ धम धः न ना नि नि नु नु ने नय नो नौ नम नः प पा पि पी पु पु पे पै पो पौ पम पः ममा मि मि मु मु मे मय मो मौ मम मः य या यि ये यु यो ये यय यो यौ यम यः र रा रि रि रु रु रे रय रो रौ रम रः लला लि लि लु लु ले लय लो लौ लम लः स सा सि सि सु सु से सय सो सौ सम सः ह हा हि हि हु हु हे है हो हौ हम ह ठीक है। अब आएंगे तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। ओके रमा स्कूल में। रमा ने स्कूल जाना शुरू किया। पहले सप्ताह में ही उसने बहुत कुछ किया। सोमवार के दिन रमा ने नए दोस्त बनाए, यानी पहले दिन सोमवार के दिन क्या किया रमा ने, दोस्त बनाए। मंगलवार के दिन उसने चित्रों में रंग भरा। बुधवार के दिन रमा को टीचर ने गाना सिखाया। गुरुवार के दिन उसने सब बच्चों के साथ किताब पढ़ी। शुक्रवार के दिन रमा ने स्कूल के मैदान में खेला। शनिवार के दिन सुबह तैयार होकर वह माँ से बोली, माँ मुझे स्कूल जाना है, आज तुम्हारा स्कूल बंद है। रविवार के दिन पिताजी के साथ दादाजी के घर गई। रमा सोमवार को फिर खुशी खुशी स्कूल गई। यह था रमा का स्कूल में पहला सप्ताह, यानी जो हम दिन काम करते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार, ये कितने दिन होते हैं, सप्ताह, यानी सात दिन होते हैं। सात दिन को क्या बोलते हैं, सात दिन को सप्ताह बोलते हैं, यानी हमारे एक वन वीक में सात दिन होते हैं और उसी को हम सप्ताह बोलते हैं। सात दिनों का ग्रुप क्या होता है, सात दिनों का ग्रुप क्या हो, सप्ताह। ठीक है, अब सेकेंड देखेंगे कागज की नाव। विद्या सोने गई तो माँ से बोली, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। माँ बोली, क्यों, कल तो रविवार है। विद्या खुशी से नाचते हुए बोली, हाँ माँ कल मेरी छुट्टी है, कल सौम्या राधा और रमन हमारे घर आएंगे, हम सब खूब खेलेंगे। माँ ने कहा, ठीक है,
खेल लेना, परंतु अभी तो सो जाओ। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा, आसमान में काले काले बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विद्या दौड़कर आंगन में आ गई, नन्ही नन्ही बूंदे गिरने लगी तो विद्या को अच्छा लगा। वह भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। बूंदे तो पकड़ी नहीं गई पर वह भीगने लगी। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। विद्या अंदर चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। फिर माँ से कहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी, बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई। माँ ने कहा, चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। विद्या उछलकर बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी सिखाओ ना। माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा, मैं भी नीचे आती हूँ। इतने में रमन और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। था ना यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हमने रिवीजन किया पेज नंबर 23 तक। एक बार हम बोर्ड और देखेंगे, ठीक है। ये है चूहिया और गिलहरी, लेसन नंबर 6, पार्ट 6 का चूहिया और गिलहरी, ठीक है। चूहिया और गिलहरी, तो पहला शब्द है यहाँ पे खो प्लस ख प्लस ल खोखल, प प्लस री प्लस र प्लस म परिश्रम, ई प्लस क प्लस आधा ट प्लस ठम्या की मात्रा इकट्ठा, मू प्लस शी प्लस क प्लस ल मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल, चू प्लस ही प्लस या चूहिया, गी प्लस ल प्लस ह प्लस री गिलहरी, नी प्लस म नीम, बी प्लस ल बिल, फू प्लस द प्लस क प्लस ती फुदकती, श प्लस व प्लस भा प्लस व स्वभाव, आ प्लस ल प्लस ती आलसी, म प्लस स प्लस म मौसम, अ प्लस ना प्लस ज अनाज, श प्लस की प्लस त शक्ति, बी प्लस हा प्लस ल बेहाल, खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल, चूहिया गिलहरी नीम बेल फुदकती स्वभाव आलसी मौसम अनाज शक्ति बेहाल, ठीक है। तो लेसन नंबर 6 है और इस लेसन नंबर 6 को आप लोगों को क्या करना है, इस लेसन नंबर 6 में आप लोगों को शब्दार्थ और नए शब्द, तो शब्दार्थ भी एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ में यहाँ पे है खोखल, पेड़ के तने में छेद, हालो HOLLOW क्या होता है, हालो पेड़ के तने में छेद, आधा स व भम्या की मात्रा व स्वभाव प्रकृति, NATURE क्या हुआ, नेचर प्रकृति नेचर, परिश्रमी परिश्रमी को क्या बोलते हैं, मेहनती, HARD हार्ड, WOR के ING हार्ड वर्किंग, आ ल समय बड़ी की मात्रा, आलसी सुस्त लेजी, फुदकती कूदती, फुदकती को क्या बोलते हैं, कूदती, टू हॉप TOHOP, इकट्ठा क्या है, इकट्ठा एकत्र करना कलेक्ट करना, मुश्किल परेशानी प्रॉब्लम, शक्ति ताकत स्ट्रेंथ, बेहाल कमजोर वीक, WEAK वीक यानी कमजोर, ठीक है। और एक और लेसन हम पढ़ लेंगे, खरगोश का कोट, डिवीजन में ले लेते हैं इसको। खरगोश का कोट, किसी ठंडे देश में एक छोटा सा खरगोश रहता था।
एक दिन बहुत बर्फ पड़ी, हवा बहुत ठंडी हो गई। खरगोश ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ मुझे कोई ऐसी चीज बना दो जो मेरे सिर को गर्म रख सके। माँ ने उससे उसके लिए एक टोपी बना दी। खरगोश टोपी पहन कर बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन बाद खरगोश बोला, माँ कोई ऐसी चीज बना दो जो मेरे बदन को भी गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक स्वेटर बना दिया। स्वेटर पहनकर खरगोश को सर्दी कम लगी। वह बहुत खुश हुआ। खरगोश टोपी पहनकर बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन बाद खरगोश बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे बदन को भी गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक स्वेटर बना दिया। स्वेटर पहनकर खरगोश को सर्दी कम लगी। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद सर्दी और बढ़ गई। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मुझे सिर से पाँव तक गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक बड़ा सा फर का कोट बना दिया। खरगोश ने तुरंत नया कोट पहन लिया। उसने अभी तक वह कोट पहना हुआ है, कभी उतारा नहीं, क्योंकि फर का कोट उसे सिर से पाँव तक गर्म रखता है। खरगोश को वह कोट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा पेज नंबर 41 देखेंगे। ओके, 41 में सही वाक्यों को मिलाइए। पहले सभी जानवर भूरे रंग के हुआ करते थे। कछुआ पेड़ की डालियों के बीच अटक गया। रंग बिरंगे जानवरों को देख लकड़बग्घे का मन ललचाया। कछुए ने लकड़बग्घे को मजा चखाया। यानी क्या करना है, सही वाक्यों को मिलाना है। सही वाक्यों को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, हम एक देख लेंगे। मेरी प्यारी दादी माँ, ठीक है, मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे न्यारी दादी माँ, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ। नहला कर कपड़े पहनाए, खूब सजाए दादी माँ। लेकर मेरा बैग स्कूल का, संग संग जाए दादी माँ। आप न खाए मुझे खिलाए, ऐसी प्यारी दादी माँ। ताज़ा जूस गिलास दूध का, हर रोज पिलाए दादी माँ। सुंदर कपड़े और खिलौने मुझे दिलाए दादी माँ। बात सुनाए गीत सुनाए, रूठूं तो मनाए दादी माँ। ओके, पेज नंबर 35 का रिवीजन। सही उत्तर पर टिक लगाइए, यानी सही का टिक लगाना है। दादी माँ कैसी हैं, दादी माँ कैसी हैं, इधर देखिए आंसर सब दिया हुआ रहता है। सबसे न्यारी दादी माँ, यानी दादी माँ कैसी हैं, न्यारी रहती हैं। ठीक है, दादी माँ कैसा जूस पिलाती हैं, ताज़ा। दादी माँ किससे दूध पिलाती हैं, गिलास से। ओके, ये हम देखेंगे एक अनेक शब्द, पेज नंबर 32 का एक अनेक शब्द। ओके, मुर्गा, मुर्गियां, मुर्गा, मुर्गियां, सब्जी, सब्जियां, छुट्टी, छुट्टियां, लड़की, लड़कियां, मछली, मछलियां, रोटी, रोटियां। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, किसका, थोड़े चित्र दिया हुआ है और क्या करना है हमको, पढ़िए समझिए और जोड़े बनाने हैं। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जेंडर है। ठीक है, ये अभी मैंने क्या पढ़ा, प्लूरल, और ये है जेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, नाना का क्या होगा, नानी, भाई का बहन, राजा का रानी, धोबी का धोबिन, पिता का माता। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा,
हम नए शब्द लेसन नंबर 6 चूहिया और गिलहरी का नए शब्द और शब्दार्थ हम पढ़ लिए हैं। एंड हम पीछे से भी क्या किए हैं, थोड़ा सा पेजेस लेके हमने रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम रिवीजन करते चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, यानी हम जो देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम एक ही बार में क्या होता जाएगा, हमारा प्रैक्टिस और होते जाएगा, ठीक है। तो भी आज का वर्क है पार्ट 6 चूहिया और गिलहरी का शब्दार्थ और नए शब्द। दो वर्क है, शब्दार्थ और नए शब्द, उसको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साथ में अगर आप लोग के पास हैंडराइटिंग बुक है तो वो हिंदी का हैंडराइटिंग बुक कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो मैं जो भी नोट्स बोलती हूँ वो आप लोग को लिखना कंपलसरी है, यानी जो मैं बोर्ड पढ़ाती हूँ वो आप लोग को अपने नोट्स में लिखने, नोट्स लिखते रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। थैंक यू।